मैं डॉक्टर अभय कुमार, हिंदी विभाग, बीआरएम कॉलेज, मुंगेर विश्वविद्यालय। आज आपसे जो मैं बातें करना चाह रहा हूँ वह महादेवी वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। जैसा आपको ज्ञात है कि महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री रही हैं और छायावाद 1920 के बाद का काल हिंदी साहित्य में जाना जाता है। महादेवी पहली कवयित्री हैं मेरे हिसाब से, भारतेंदु युग के बाद और आज़ादी तक अगर हम देखें या फिर हम स्त्री विमर्श के काल को देखें तो उस समय तक अकेली महिला कवयित्री हैं। और स्त्री विमर्श के जो आयाम हैं उन आयामों को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्त्रियों के भावनात्मक पहलू हैं उसकी अभिव्यक्ति हम उस रूप में नहीं पाते जिस रूप में एक स्त्री अपने मन में अनुभव करती है। इसे हम भारतीय संस्कृति में झिझक भी कह सकते हैं, एक लज्जा कह सकते हैं। अपनी बातों को पूर्ण रूप से नहीं रख पाने के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि पितृसत्तात्मक समाज में उन्हीं स्त्रियों को सही माना गया है जो लज्जाशील हों और अपनी आवाज को पुरुषों के विरुद्ध न रखे, वो घुटती रहें लेकिन दूसरों को सुख प्रदान करती रहे। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक के जीवन में दुख हो और उनके दुख से सुख की कामना करना, यह बहुत ही स्वार्थपूर्ण है। और पितृसत्तात्मक समाज ने अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों की भावनाओं को कुचला है, उनकी अभिव्यक्तियों को कुचला है, उनकी संवेदनाओं को कुचला है। लेकिन मन के अंदर घुमड़ते हुए प्रश्नों के बादल कहीं न कहीं तो अभिव्यक्त होंगे। अगर वह किसी से नहीं कह पा रही हैं तो वह अपने आप से जरूर कहेंगी। और जो आत्म अभिव्यक्ति है वह कहीं न कहीं साहित्यिक संवेदनाओं के पक्ष में भी खड़ी होती हैं। स्त्री जीवन को देखकर या फिर भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को जिस रूप में स्थापित किया गया है, दोनों के बीच अगर हम तुलना करें तो एक तरफ शक्ति की देवी दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी, शिक्षा की देवी सरस्वती मौजूद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या समाज में वह शक्ति की देवी की तरह शक्तिशाली हैं, धन की देवी की तरह धनवान हैं या फिर शिक्षा की देवी की तरह शिक्षित हैं। हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस पर। विमर्श के दौरान यह भी बात सामने आती रही है कि स्त्री मुक्ति के प्रश्न क्या शारीरिक हैं। मुझे लगता है कि मुक्ति के प्रश्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी संदर्भों से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुक्ति का प्रथम द्वार अभिव्यक्ति से शुरू होता है। महादेवी
अपने आप को क्या कह रही है। बादल स्वतंत्र है, विचरता है और बरसने के लिए कोई शर्तें नहीं रखता, लेकिन महादेवी जिस बदली की बात कर रही है, बादल की नहीं, बदली की, वो बदली जो महादेवी के मन में घुमड़ रही है और वह किस तरह से बरसती है, मुक्त होकर या फिर एक गुलामों की तरह अपनी व्यक्तित्व को छुपाकर, स्त्रियों की वेदना जिस रूप में महादेवी ने प्रकट की है उसी को इस कविता में व्याख्यायित करना है। व्याख्या से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार इस कविता को मैं पढ़ूँ ताकि आप इसके भाव को समझ सके। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नव के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलीन करता आना, पथ छिन्न न दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। और अंत में, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जो अंतिम है, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, यह महादेवी के मन की ही भावना नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो स्त्री पक्ष है उनकी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती हुई है ये कविता, कि जो जीवन में भावनाएं पली बढ़ी और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए, कि जो जीवन है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जीवित हूं लेकिन निस्पंद, निश्चेष्ट, कोई हरकत नहीं है, और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जब रो रही थी, आहत थी, तो विश्व हंस रहा था, नैनों में दीपक से जलते, जाग रही थी, और जागते पल में, पलकों में निर्झरनी, एक धारा बह चली है, नैनों की अभिव्यक्ति आंसुओं से पूर्ण करती भारतीय स्त्री की एक व्यथा है। मेरा पग पग संगीत भरा, जिस घर में मैं आई उस घर की मैं शोभा बनी, और एक स्वप्न लेकर मैं पहुंची, जैसा लगा कि नीला आकाश एक इंद्रधनुषी रंग के दुपट्टे को ओढ़े हुए और हवा में एक मधुर संगीत सा बजता हुआ भीनी भीनी सुगंधों के साथ आगे चली। यह एक स्वप्न है स्त्री का,
उस स्वप्न को देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है, उसका परिणाम क्या है? जो स्त्री अपने मन में सपनों को संजोए हुई है, एक सुनहरे पल को जीने के लिए जो अपने मन में एक विचार बुनती है, उसका होता क्या है कि जो चेहरे पे जो मुस्कान होनी चाहिए थी, अब वह चिंता की तरह लगातार अविरल धारा में बहती जा रही है, और जो अंकुर थी वह अंकुर पेड़ बनने से पहले मुरझा गई। लेकिन एक आत्मा अभिव्यक्ति के साथ एक नए शब्दों को भी गढ़ती है कि पथ को न मलिन करता आना। देखिए, ये दे रही हैं, लेकिन उसके साथ जो मांग है वह उसके दुख के लिए नहीं है, आत्म दुख के साथ में पर सुख को कैसे अभिव्यंजित करना है, दूसरों के लिए जीना है। जैसे महादेवी एक जगह लिखती हैं कि मैं तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। एक स्त्री अभिव्यक्ति, स्त्री मन, स्त्री का समर्पण किस रूप में इस पितृसत्तात्मक समाज को सौंपती है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है। वह साफ कहती है कि भले तुम मुझे कुछ ना दो, बल्कि मैं कहता हूं वह देने लायक ही नहीं है, कि वह अपने आप को मिटा देती है दूसरों के सुख के लिए। और अंतिम पंक्ति, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये दुख भी है और एक संतरास भी है कि जो हमारा समर्पण था, जो हमारा दुख है, हमारे दुख में कोई शामिल नहीं है, एक खीज है यहां पर, उस समाज से एक असंतुष्टि का एक पत्र है, और उस पत्र में जो वेदना है, महादेवी उस वेदना को अपने आप में समेटते हुए बड़ी ही विनम्र भाषा में कहती है कि मेरे दुख का जो इतिहास है वह अभी भी वर्तमान में भी उसी तरह से है। कल जो हमारी इच्छाएं इस नीले आकाश के नीचे हरियाली धरती पर इंद्रधनुषी रंग लिए जो मैं आई थी, आज वह मिट चली है, समाप्त हो गई है। मैं नीर भरी दुख की बदरी। बहुत बहुत धन्यवाद।